हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष अवस्थी। पिछली वीडियो में हमने एंटोनाइन प्लेग के बारे में आपको बताया था, जिसमें 50 लाख के करीब लोगों की जाने गई थी। प्लेग एक्चुअल में बैसिलस यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है और यह पेंडेमिक बहुत तेजी से लोगों को इन्फेक्ट करता है। एंटोनाइन प्लेग के 375 साल बाद एक दूसरे प्लेग ने जन्म लिया, जिसे हमने इस वीडियो सीरीज में काउंटडाउन 3 पर रखा है। इस प्लेग का नाम द जस्टिनियन प्लेग है। 541 AD में जन्मा यह प्लेग मिडिल अफ्रीका से शुरू हुआ और फिर मिस्र और मेडिटेरियन तक फैल गया। तो सवाल आता है कि यह प्लेग एक जगह से दूसरी जगह तक फैल कैसे जाते हैं। यह प्लेग भी चूहे और फ्लीज के कारण फैला, जैसा कि हमने द प्लेग ऑफ लंदन वाली वीडियो में आपको बताया था कि चूहे और फ्लीज की वजह से लंदन के कितने लोगों की जानें चली गईं। उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखना। इस महामारी में यह प्लेग फ्लीस द्वारा ह्यूमन के काटने से या फ्लीस द्वारा चूहों के काटने से फैलता था। 540 AD या उस समय की बात है जब रोमन एम्पायर के सम्राट जस्टिनियन राज किया करते थे। उसी कुछ समय पहले एक महामारी अफ्रीका से इथियोपिया में उत्पन्न होकर मिस्र के पेलुसियम तक फैल गई। रोम के राजा जस्टिनियन ने कई देशों से लड़ाई कर उन पर फतेह हासिल की थी। उनमें से एक इजिप्त भी था। उस समय इजिप्त से एक व्यापारी जहाज में अनाज की बड़ी मात्रा में बोरियों को कॉन्स्टेंटिनोपल में भेजा गया। कॉन्स्टेंटिनोपल वह जगह थी जहां जस्टिनियन अपना राज करते थे। उसी जहाज में इसी प्लेग से संक्रमित चूहे भी थे। उन संक्रमित चूहों ने काफी अनाज के ग्रेन्स को दूषित कर दिया था। जब यह जहाज कॉन्स्टेंटिनोपल में पहुंचा, जहां जस्टिनियन का महल भी था, तो वहां दूषित ग्रेन के साथ साथ संक्रमित चूहे भी पूरे राज्य में फैल गए और वहां की पॉपुलेशन उन दूषित ग्रेन्स को खाकर इस प्लेग का शिकार हो गई। उसके बाद ही यह प्लेग इतनी ज्यादा तेजी से फैला कि कुछ टाइम में ही इस प्लेग से यूरोप की 40% आबादी भी मर गई। करीबन 3 से 5 करोड़ लोग इस प्लेग के चपेट में आकर अपनी जानें गवा बैठे। और यही नहीं, यह प्लेग दुनिया की आधी आबादी तक पहुंच चुका था। यह प्लेग न सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी इन्फेक्ट कर रहा था। आप यह सोच रहे होंगे कि यह प्लेग इतना ज्यादा खतरनाक कैसे बन पाया। दरअसल जब इंसान की बॉडी में यर्सीनिया पेस्टिस जाता और यह ब्लड के माध्यम से फेफड़ों में पहुंच जाता, तो एक बेहद घातक निमोनिया मतलब निमोनिक प्लेग का कारण बनता और फिर यह एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच जाता। जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि इस प्लेग का एक्चुअल कारण यर्सीनिया पेस्टिस ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस प्लेग का शिकार किंग जस्टिनियन भी हो गए थे, लेकिन उनकी स्ट्रांग इम्यूनिटी के चलते वे इस बीमारी से रिकवर कर पाए। इसीलिए जस्टिनियन को ग्रेट इम्परेटर भी कहते हैं और किंग जस्टिनियन के नाम पर ही इस बीमारी का नाम द जस्टिनियन प्लेग पड़ा। इस बीमारी से बचने का उस समय सिर्फ एक ही तरीका था, स्ट्रांग इम्यूनिटी। जो भी इस बीमारी से बचा वो अपनी स्ट्रांग इम्यूनिटी के चलते ही बचा। 542 AD में कॉन्स्टेंटिनोपल से आया यह प्लेग चूहों के माध्यम से दुनिया के कई देशों में पहुंचकर आखिरकार 225 सालों तक चलकर 750 AD में अचानक से गायब हो गया। लेकिन 800 सालों बाद इसने दोबारा से जन्म लिया। यह प्लेग और कोई प्लेग नहीं, यह वही प्लेग है जिसे 800 साल बाद ये दुनिया ब्लैक डेथ के नाम से जानेगी। दरअसल ये दोनों प्लेग एक ही हैं। द ब्लैक डेथ की वीडियो इस वीडियो सीरीज की आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से मिलेगी, तो उस वीडियो को देखने के लिए अपना बेल आइकन ओपन रखना, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपने हमारी वीडियो द प्लेग ऑफ लंदन और एंटोनाइन प्लेग वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे पेंडेमिक डिजीज के बारे में बताएंगे जो जस्टिनियन प्लेग से भी ज़्यादा खतरनाक है। सो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और यह वीडियो अपनी व्हाट्सएप स्टोरी में लगाकर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।